इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। माशरे में बढ़ती बुराइयां माशरे के जवाल का सबब बनती है, और जब माशरे के जिम्मेदार भी जब बुराइयों में मुलविस होने लगे तो फिर वह कौम वह माशरे पर अल्लाह की जानिब से हालात मुसल्लत किए जाते हैं। आखिर क्या बात है कि हमें जो तालीमात जो हिदायत कुरान हदीस की जानिब से दी जाती है हम मानते तो है पर इस पर अमल नहीं करते, और तकरीबन हर घर के हालात इस तरह के दिखाई देते हैं। आज माशरे में सबसे बड़ा जो मसला नज़र आ रहा है वह तलाक का मसला है। वैसे तो हर लिहाज से हमने अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। दीनी बातों की आड़ में किस कदर बुराइयों को फरोग देते रहते हैं। बेटा हो या बेटी पर हमारा मामला ऐसा है कि हमारे अपने घर के बच्चों को छोड़कर तमाम बच्चे बिगड़े हुए हैं। बेटियों को यकीनन पढ़ना चाहिए पर कभी हम इस पर अपनी नज़र रखना भूल जाते हैं। गैर जरूरी तौर पर महंगे मोबाइल देते हैं और कभी इन मोबाइलों पर क्या देखा जाता है इस पर तवज्जो नहीं देते। अगर लड़का है तो कैसे दोस्तों के साथ घूम रहा है इसका ध्यान नहीं रहता। गली मोहल्लों के कट्टों पर बैठकर पबजी और दीगर खुराफात में अपना कीमती लम्हात को किस कदर बर्बाद करता रहता है। वालिदों को तब एहसास होता है जब लड़का या लड़की हाथ से निकल जाते हैं। यह बातें सभी के लिए नहीं है, कुछ वालिदैन हैं जो यकीनन बच्चों की सही परवरिश करते रहते हैं। बेटियों के बारे में क्यों कहना पड़ रहा है, इसलिए कि हमारे माशरे में तलाक की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। पहले बेटी को ब्याह दिया जाए तो वालिदैन की जिम्मेदारी मुकम्मल समझी जाती थी, पर बेटी शादी के बाद भी घर कब लौट कर आएगी इसका कोई अंदाजा लगाया नहीं जा सका। दूसरी तरफ घर को ब्याह कर लाई बेटी जब बहू बनती है तो सास ससुर के तेवर भी बदले हुए होते हैं। लिहाजा जब माँ बाप के सामने बेटी अपने ससुराल की कहानियां सुनाती है तो दिन के पस मंजर में सब्र की तलकीन करने की बजाय बगावत के सबक सिखाए जाते हैं। जाहिर है नतीजा तलाक तक पहुंचता है। वही जमातों का भी यही मामला है। मस्जिदें कभी माशरे के इस्लाह के लिए हुआ करती थी पर अब तो सिर्फ मस्जिदों के इमाम और जमात के जिम्मेदार शादी तलाक एंगेजमेंट मौत मिट्टी तक ही महदूद रह गए। मस्जिद के इमाम को पता ही नहीं रहता कि मोहल्ले में क्या चल रहा है। जुमा में वही महदूद फॉर्मूले वाला बयान कब्र हश्र नेकी अजर इससे बढ़कर कुछ नहीं। माशरे की इस्लाम मेंबर रसूल से हुआ करती थी, कभी जंग के काफिले भी मस्जिदों से रवाना हुआ करते थे। दौर नबी में मेंबर रसूल से हर मसले का हल हर मुश्किल का हर निकाला जाता था। जंगी तदाबीर भी मेंबर रसूल पर बैठकर बनाए जाते थे। तब अब तो वो इमाम ही नहीं रहे जो हक बात मस्जिद में खड़े होकर कह सके। मैं माफी चाहूंगा पर कहना जरूरी है क्योंकि अब वक्त ही ऐसा आया हुआ है कि आज भी जंग आज़ादी में उलमाओं का किरदार कैसा रहा, कितनी कुर्बानियां उलमाओं ने दी थी। 1857 की जंग का जिक्र बार बार करने वाले पर आज कोई भी कुर्बानी देने के लिए आगे नहीं आ रहा। हुकूमत का डर अल्लाह के डर से ऊपर हो गया है, और यह सच बात है कि अगर RSS मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम बात करती है, जबकि इस तंजीम को अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीम कहा था, लेकिन कभी RSS के साजिशों को लेकर कभी मस्जिदों में जिक्र नहीं हुआ। इसके बावजूद मस्जिदों को दहशतगर्दों के अड्डों का इल्ज़ाम लगाया जाता है। आज के तमाम सियासी समाजी मईशी तमाम हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, क्यों यह माशरा इतना डरा सहमा खौफजदा है। जाहिर है इसी बुजदिली ने आज हमें कहीं का ना रखा। आज़ादी के तकरीबन 70 साल हमें आपसी इख्तलाफात से फुर्सत ही नहीं मिली, ना तो दीनी दाई बना पाए और ना ही दीन का मुजाहिद। कौम बिल्कुल माजूर बन चुकी है। आज के हालात में क्या फैसला लिया जाए, किस दिशा में नौजवानों को गामजन किया जाए, हालात आने पर क्या फैसला लिया जाए, कौन सी हिकमत अमली पर अमल किया जाए, क्या तदाबीर होंगी, इसके बारे में किसी जमात के पास भी जवाब नहीं है। और ऐसे वक्त में भी देवबंदी बरेली अहले हदीस जमात इस्लामी से बाज नहीं आएंगे। यकीन मानो जिस तरह उलमाओं ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर मुल्क को आज़ाद किया था, आज फिर से एक बार उलमाओं के दीनी रहनुमाओं को आगे बढ़कर कुर्बानी पेश करने की ज़रूरत है। उलमा अंबिया के वारिस हैं और यही हमारे रहबर है, और इन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारी है। आवाम सही नहीं है यह बहाना गलत होगा, क्योंकि अक्सर जवाब मिलता है कि आवाम ठीक नहीं है, और अगर आवाम ठीक नहीं है तो इसके भी जिम्मेदार यही दीनी रहनुमा है। ऐसा नहीं है कि यह बात सभी को नहीं है, कुछ दीनी उलमा है जो आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं, पर क्या हर गाँव मोहल्ले में उम्मत को उभारने का काम जारी है, बुजदिली के सबक पढ़ाए जा रहे हैं। आज भी भारत का संविधान जिंदा है और हम इस संविधान को बचाने के लिए लड़ना है, यह कहकर हम अपना दामन नहीं बचा सकते कि उनकी हुकूमत उनका सब कुछ है, सिर्फ बहाने हैं।
मुसलमानों का मरकज मस्जिद है। नमाज होते ही मस्जिदों को ताले लगाने की आदत हमें पड़ी हुई है। इमाम सिर्फ जमात से नमाज पढ़ने तक महदूद रहता है और जाहिर है इसकी तनख्वाह कम होने की वजह से दिगर कामों में अपना वक्त लगाता रहता है। अब तो मौलानाओं ने रियल इस्टेट में भी अपना सिक्का जमा लिया है। कोई शादी घर जोड़े का काम अंजाम दे रहा है तो घरों की खरीदो फरोख्त का कारोबार भी कुछ लोग कर रहे हैं। जाहिर है बेशुमार दौलत अब इनके पास भी आई हुई है। अब जब दौलत आती है तो कौम और मिल्लत की फिक्र के लिए मौलाना के पास वक्त कहां से मिलेगा। सभी की ख्वाहिश होती है कि आलीशान मकान, गाड़ी, महंगे होटलों में खाना। जब पैसा आता है तो जिंदगी जीने का तरीका और मकसद भी बदल जाता है और यही होता जा रहा है। अगर आप 20-25 साल पीछे मुड़कर देखेंगे तो कोई भी कौमी मसला हो तो लोग फौरन जमा हुआ करते थे, पर अब दावत भी करो तो लोग जमा नहीं होते, क्योंकि हमारे कौम का बड़ा तबका ऐश परस्ती में मुब्तला है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, आज के मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। होटल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर मुसलमानों से भरे हुए। कुछ लोगों ने तो मक्का मदीना पिकनिक स्पॉट बना दिया है और खासकर पूरा महीना हरम में गुजार कर आते हैं। आखिर क्या मिलता है इन लाखों रुपए खर्च कर हर साल उमरा करके आते। जब नबी ने एक हज किया और दो उमरे किए तो तुमको ये किसने कहा हर साल हरम में जाकर फिजूल खर्च करो। फिजूल इसलिए कह रहा हूँ, कौम में आज भी इंतहाई गरीबी है। अपने रिश्तेदारों में कई लोग हैं जो इन पैसों के मुस्तहक होते हैं, लिहाजा किसी भले काम में या रिश्तेदारों को नहीं देंगे, पर कभी हरम, कभी बगदाद, कभी अजमेर का टूर होता ही रहता है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई और भारत में हजारों फसादात हुए। हर साल बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन काला दिन मनाया जाता था। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, लेकिन जब हर साल दुकानों को बंद रखकर गम मनाया जाता था, पर इस दिन को पिकनिक का दिन अक्सर मुसलमानों ने बनाना शुरू किया। 6 दिसंबर को तकरीबन मोहल्ले के लड़के पिकनिक पर चले जाते थे। कहने का मतलब, जब जमीर मर जाता है तो उस कौम का पीटना यकीनी होता है, जिल्लत मुकद्दर बन जाती। अब इस कौम से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। मुस्लिम माशरे का मुकम्मल तवाजन ही बिगड़ चुका है। माँ बाप को हलाल कमाई की परवाह नहीं। जाहिर है औलाद भी कोई वली एक कामिल नहीं होगा। नबी की वफात के बाद शायद ही कभी इस तरह के हालात आए होंगे। हर गली मोहल्ले में तलाक शुदा बेटियों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। अब कुछ तलाक खुला करने वाले गिरोह भी निकले हैं जो जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। अब क्या क्या माशरे की बुराई को मंजर आम पर लाया जाए। और भी बहुत कुछ है जो कहने की हिम्मत मुझ में नहीं है। काफी वक्त निकल चुका है, आगे बढ़कर किसी को आना होगा, पर इम्कानात नजर नहीं आ रहे। कोई कमेटी बनती भी है तो बनने से पहले ही फितने खड़े हो जाते हैं। 4 लोग एक जगह पर बैठकर एक फैसले पर आकर नहीं बैठ सकते। कौम को इतना टुकड़ों में बांट दिया, इससे पहले तो नहीं देखा था। हालात बद से बदतर होते जा रहे। कोई पार्टी, कोई जमात अकलियतों के मसाइल पर बोलना नहीं चाहती। आज भी जब पूरा माशरा बिखरा पड़ा हुआ है, एक बड़ा तबका दीनी रहनुमाओं की तरफ उम्मीद से देख रहा है, पर दीनी रहनुमाओं को हालात हाजरा का इल्म ही नहीं। यहूद मुशरिकीन की साजिशों का इन्हें पता ही नहीं। दुनिया में कोरोना को लेकर सियासी घमासान जारी है। चीन, अमेरिका, इसराइल अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। अरब ममालिक यहूदों से मुआहदा कर रहे हैं। भारत चीन तनाजा शिद्दत इख्तियार कर रहा है। लिहाजा भारत में मुसलमानों का कोई लीडर पुरसा निहाल नहीं है। दुश्मन चाल चलता है और अल्लाह भी चाल चलता है। बेहतरीन चाल चलने वाला अल्लाह है, पर आजमाइश की भट्टी से गुजरना होगा और इसी दरमियानी वक्त में काफ़ी नुकसान होगा। माशरे की इस्लाह पर बहुत सारी चीज़ों का दारोमदार है। हर घर के जिम्मेदार को घर के लड़का लड़कियों पर नजर रखनी होगी। अच्छे गलत कामों का एहतसाब करना होगा। हर एक शख्स दूसरे को सुनाना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता। हर घर में लीडर है, कोई किसी के मातहत नहीं रहना चाहता। इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल बरक्स आज का माशरा जा रहा है। मानो अगर इस्लाम कहता है अपने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात रखो, तो आज का मुसलमान अपने पड़ोसियों से दिन में 2 बार झगड़ा किए बगैर नहीं रहता। किसी की बुराई ना करो तो आज का मुसलमान किसी की बुराई को सरे आम उछालेगा। सूद, झूठ, मक्कारी से शायद ही कोई पाक हो। बाजार तिजारतों में मुसलमानों से कारोबार करने से हर कोई डरता है। गाली गलौज में भी आगे आपस में झगड़ने में आस्तीन चढ़ाकर बहादुरी का मुजाहरा करता है, पर जब दुश्मनों से लड़ने का मौका मिलता है तो दुम दबा कर घर में बैठ जाता है। खैर, यह तमाम जख्म है, इसका इलाज यही होगा कि कुछ हक परस्त उलमाओं को आगे करना पड़ेगा, जिनसे दीनी मसाइल पर गुफ्तगू की जाए। सही सियासी लीडरों को आगे बढ़कर सिर्फ कौमी मुफाद पर दिगर सियासी लीडरों से मुआहदे करने होंगे। हमें बचाने के लिए कोई सलाउद्दीन अयूबी या टीपू नहीं आने वाला। हम में से ही किसी को आगे बढ़कर कमान संभालनी होगी। हो सकता है कि अपने मिजाज के मुखालिफ फैसले लिए जाए, पर इज्तमाही फायदों को मद्देनजर रखकर फैसलों को सर तस्लीम खम करना होगा। सामाजिक खिदमात को अंजाम देने वाली तंजीमें तो
बहुत हैं, बखूबी अंजाम भी दे रही हैं, पर कौमी मसले पर एक जगह पर सर जोड़कर बैठना जरूरी होगा। मोहल्लों में अगर कई मस्जिदें हैं तो एक ताकतवर जमात बनने की जरूरत है। फौरी तौर पर कामयाब तो नहीं होंगे, वक्त लगेगा। जब हमारे जहनों को गुलामी में जाने के लिए काफी वक्त लगा है तो गुलामी से बाहर आने में भी वक्त लगेगा। काफी लड़ लिए, काफी इख्तलाफात हमने जमातों पर मसलकों पर किए, अपनी बात मनवाने की जिद छोड़कर कभी दूसरों की बात मानने की सिफत भी हमारे अपने अंदर आनी चाहिए। बच्चों पर वालिदैन नजर रखे ताकि घर की इज्जत बाजारों की जीनत ना बन जाए। वक्त बहुत नाजुक है, लिहाजा कहीं से तो शुरुआत होने की जरूरत है। काम मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। हर मामले में अपने अक्ल को लगाने से पहले काम को अल्लाह की तरफ रुजू करने की कोशिश करें। और आज भी अगर हम ना संभले तो जिल्लत के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं शायद यह दौर और तवील हो जाएगा। रास्ता मुश्किलों वाला जरूर है, कहीं हमारी दुनिया की मोहब्बत दुनिया और आखिरत दोनों को ना उजाड़ दे। अल्लामा इकबाल की नज्म के अशआर आज के मुसलमानों की रहबरी करते हैं। या रब दिल मुस्लिम को वह जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गर्मा दे, जो रूह को तड़पा दे। महरूम तमाशा को फिर दीदे बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने वो औरों को भी दिखला दे। भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर खोगर को फिर उसे सहरा दे। इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान को वह दागे मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।